जनता की दुख दर्द में काम आऊँ, ताकि अजमेर के साथ में राजस्थान और भारत में हम लोग एक आगे बढ़ते रहें। विरासत में मिली कारीगरी से सजे गहनों पर इस त्योहार तनिष्क लाया है गोल्ड ज्वेलरी की मेकिंग और डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर 20% तक डिस्काउंट और पुराने सोने पर 100% एक्सचेंज वैल्यू। तनिष्क इंडिया मोटर सर्कल अजमेर, शर्ते लागू। नवरात्रि में मैं प्रतिवर्ष त्रिपुरा सुंदरी उदयपुर में नौ माता जी के मंदिर के दर्शन करता हूँ और अष्टमी के दिन अजमेर में भी अपने सारे कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के नौ माता जी के मंदिर जा रहा हूँ। उस निमित्त अभी अपने बजरंगगढ़ अम्बे माप के मैंने दर्शन किए हैं, माता से आशीर्वाद मांगा है कि मुझे इतने शक्ति प्रदान करें कि मैं लगातार जनता का सेवा करता रहूं और विजय श्री दिला करके मुझे इस योग्य बनाए कि मैं लगातार जनता की दुख दर्द में काम आऊं, ताकि अजमेर के साथ में राजस्थान और भारत में हम लोग एक आगे बढ़ते रहें और मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बन करके अजमेर की चाहे पानी की समस्या हो चाहे अन्य मुद्दे हों उस सब का समाधान करने में हम लोग सफल हों और सुख शांति रहे, सबके जीवन में ऐश्वर्य बढ़े, ताकि ये शक्ति का पर्व है, हम सबके यहाँ शक्ति प्रदान करते हुए हम सब लोग प्रेम स्नेह आत्मीयता के साथ बढ़ते चलें और अजमेर के और राजस्थान और देश के विकास में सहभागी बने, ऐसे मैंने माता जी से प्रार्थना की। आज सवेरे माँ की 9 बजे आरती हुई और आरती के पश्चात पब्लिक का आवागमन जारी है और कंटी जैसे अभी पंजाब के मुख्यमंत्री सचिन वो चन्नी साहब वो भी आए थे और भी आ रहे हैं लोग, बात पब्लिक का आवागमन कंटिन्यू रहेगा। आज सायं 8 बजे से माता के यहाँ आरती है, हर वर्ष की बात जैसे होती है वही रहेगी और वो आज है। उसके अंदर ये ब्रजवासी हेमंत शर्मा जी वो आ रहे हैं मथुरा से और एक अपने सेमी साहब हैं वो बॉम्बे से हैं और प्रमोद त्रिपाठी जी हैं वो जयपुर से हैं और दिल्ली से है राधिका और एक शिवम म्यूजिकल ग्रुप वाले, ये सभी लोग आएंगे और हमारा तो सभी से यही है कि माता के यहाँ सायं 8 बजे चालू होगा कीर्तन और जब तक माँ की कृपा होगी जब तक चलता रहेगा और उसके पश्चात आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद वितरण होगा और यही सिलसिला हर वर्ष की पाती जैसे कि नौमी होती है, नौमी को सवेरे 11 बजे कन्या भोजन कराया जाएगा और कन्या भोजन के बाद में प्रसाद वितरण चालू होगा और जो जब तक पब्लिक का आवागमन रहेगा सुबह से दिन में लेकर रात तक, केवल खाली एक शाम के सायं जो आरती होगी उस समय थोड़ी ब्रेक होगा और बाकी उसके बाद तो कंटिन्यू जारी रहेगा। जय माता की।